हाय आई एम दीक्षा छाबरा, मैं एक फिटनेस एक्सपर्ट और दीक्षा छाबरा फिटनेस कंसल्टेशंस की फाउंडर हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको इजी, क्विक और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस दिखाऊंगी जो आपकी बेली फैट पर वर्क करेंगे और कोर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम हमारे पहले एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे विच इज प्लैंक्स। प्लैंक्स आपके कोर को एक्टिवेट करते हैं एंड बेली फ्लैप के लिए काफ़ी इफेक्टिव भी है। अपने हाथ और पैर फ्लोर पे रखें एंड मेक अ स्ट्रेट लाइन विथ योर बॉडी नेक से स्पाइन तक। ये स्ट्रेट और फर्म होना चाहिए। अगर आपकी रिस्ट वीक है एंड दिस इज पेनफुल फॉर यू, आप अपने एल्बोज पर भी आ सकते हैं। इस पोजिशन को 40 सेकेंड्स तक होल्ड करें या जब तक कर सकते हो तब तक। 20 seconds rest करें and let's switch to next exercise. Now moving on to the next exercise जो है butt ups. Butt ups एक progressive movement है जो आपके lower abs पर work करता है। Lie down straight, हाथ side में और अपने पैरों को floor से 2-3 inches ऊपर ले। अब यहाँ से पैर ऊपर लिफ्ट करें और फोर्स के साथ बट को फ्लोर से ऊपर की तरफ पुश करें। ये कोर मसल्स के अगेंस्ट एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करेगा जो आपके बेली फैट को चैलेंज करेगा। रिमेम्बर, ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल और पैर हमेशा फ्लोर से ऊपर और एक्सटेंडेड होने चाहिए। हम ये 10-15 टाइम्स या 40 सेकेंड्स करेंगे, जिसके बाद यू कैन रेस्ट फॉर 20 सेकेंड्स। नी टक्स एक एक्सप्लोसिव मूवमेंट है जो कोर मसल्स के अराउंड एंटी ग्रेविटेशनल स्ट्रेस को क्रिएट करने के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। फ्लोर पे लेट जाए, हैंड बाय योर साइड। अब अपने पैर साथ में उठाए, ब्रीद इन करके नीज से 90 डिग्री एंगल बनाए और ब्रीद आउट करके पैरों को एक्सटेंड करे। पैरों को एक्सटेंड करते टाइम फ्लोर से 2-3 इंचेस की हाइट मेंटेन करे ताकि कोर मसल्स की टेंशन मेंटेन हो पाए। अगेन इसे भी 10-15 टाइम्स या 40 सेकेंड्स के लिए कंटिन्यू करें और फिर 20 सेकेंड्स का ब्रेक ले। बॉडी सॉ एल्बो प्लैंक का एक प्रोग्रेशन है एंड लेट मी टेल यू, ये सिंपल टू एंड फ्रो मूवमेंट आपके कोर एंगेजमेंट को बढ़ा सकता है। एल्बो प्लैंक पोजीशन में आए, बॉडी स्ट्रेट रखे, फिर अपने पूरे बॉडी को सॉ के जैसे मूव करे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, पर प्लैंक पोजीशन मेंटेन रखे। हम इसे वापस 10-15 टाइम्स या 40 सेकेंड्स या फिर उससे ज्यादा करेंगे और फिर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। रिवर्स प्लैंक डिप्स थोड़े अंडररेटेड है। टू डू दिस, फ्लोर पे बैठकर अपने लेग्स को अपने सामने एक्सटेंड करें। प्लेस योर पाम्स फेसिंग योर बट, पाम्स को प्रेस करें और हिप्स और टॉर्सो को लिफ्ट करें। ऊपर सीलिंग के तरफ देखें और अपने आर्म्स और लेग स्ट्रेट रखें। अब अपने हिप्स को एक माइक्रोसेकेंड के लिए फ्लोर पे ड्रॉप करें एंड देन कम अप। कोर को स्क्वीज करें और बेली बटन को अपने स्पाइन के तरफ पुल करें। हम इसे 40 सेकेंड्स के लिए या 15 रेपिटेशंस करेंगे और फिर ब्रेक लेंगे।